हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ ज्ञान में। तो आज हम 14 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, एडिटोरियल्स और जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको इसमें हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के न्यूज़ में उसको हम नोट्स के तौर पे बताने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट नोट्स के तौर पे, ताकि आप उसको पूरी तरह से उस न्यूज़ को समझ पाएं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे दूसरे सर्च करने में और दूसरे चीज़ों को देखने में। और इसका जो आप पूरा जो है नोट्स अपने अपने साथ बना सकते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए, और जिसको कि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, 1 घंटे का वीडियो जो भी होगा आपका, उसमें आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है कवर हो जाएगा। इसको आप बीच बीच में अगर देखेंगे तो आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पाएगा और बहुत सारे आर्टिकल्स आपसे मिस हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, इस लिंक को आप वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। बाकी हमारा और जो वीडियोज़ हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। तो जो पहला न्यूज़ आपका, ईयर आफ्टर गलवान क्लैश चाइना स्ट्रेंथन बेस अलोंग LAC। तो गलवान क्लैश जो लास्ट ईयर हमने देखा था मई के महीने में, जिसमें कि कुछ हमारे इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए थे, तो इसका 1 साल के बाद ना देखने को मिला कि चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन्होंने कुछ एडिशनल एकोमोडेशन वहाँ पे बनाने की कोशिश की है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग हॉल, मतलब ज़्यादा दिन रहने के लिए वहाँ पे, ज़्यादा दिन वहाँ के सैनिकों की क्लाइमेट वहाँ का अलग है, काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, विंटर में वहाँ पे रहना मुश्किल है, तो ज़्यादा दिन तक सैनिक वहाँ पे रह सके, स्टे कर सके, वैसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश उनकी हो रही है। परमानेंट एंड टेम्पोरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया का नाम, वो उनके एरिया में बेसिकली बना रहे हैं, वो LAC के पास उनका जो एरिया बेस है वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल, प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिशनल स्नो मोबिलिटी व्हीकल्स भी वहाँ पे प्रोक्योर किया जा रहा है। एक तरह से बताया जाए कि वहाँ पर जो चाइना का जो इंटेंशन है, कैसे हमें भी जो उसको लड़ने के लिए उससे मतलब कि प्रिपेयर होने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हमें भी डेवलप करने की जरूरत है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज किए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होता है, तो ये भी एक मतलब चिंता का विषय है इंडिया के लिए। इसी का आपका एक्सटेंशन जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पे, तो ये जो अभी डिसइंगेजमेंट हुआ था, ये डिसइंगेजमेंट हुआ, डी इंडक्शन नहीं हुआ, अभी भी चाइनीज ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स वहां पर हैं, जस्ट वो जो अपने बैरक में कर सकते हैं वापिस लौट गए, जो उनका एरिया था कैलाश रेंज से भी दोनों मिलिट्री हट गई है। इंडिया का एडवांटेजेस पोजीशन था वहाँ पे, इंडिया का पोजीशन जो जो इंडिया ने कैप्चर किया था वो ज़्यादा अच्छा पोजीशन था कंपेयर टू चाइना। इसको यूज करते हुए बेसिकली इंडिया ने जो निगोशिएशन है उसको अंजाम दिया कि आप दोनों हम पीछे हटेंगे। अभी भी लेकिन कुछ एरिया के में जो है डिसइंगेजमेंट नहीं हुआ है, उसमें अभी बातचीत चल रही है, प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ है, जैसे गोगड़ा एंड हॉट स्प्रिंग्स एरिया हो गया, डेमचॉक एंड स्ट्रेटेजिक देस्तांग वैली, 3 एरिया में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पोंगसोंग लेक का बेसिकली एरिया जो है, जो फिंगर्स हमने पढ़े था पहले, फिंगर 4 फिंगर 8, तो वहाँ पे जो अभी डिसइंगेजमेंट हो चुका है, लोग सैनिक जो है अपने अपना जो LAC है उसके पास जा चुके हैं। कुछ एरिया अभी भी डिस्प्यूटेड है जहाँ पे अभी बातचीत हो रही है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में हमारे उनके, बट डिसीजन कुछ नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया चाइना जो रिलेशन है उसमें कैसे मिलिट्री माइट्स जो है चाइना अपना यूज कर रहा है, एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया को भी उसको लेकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने की जरूरत है, और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करने की जरूरत है, ताकि ऐसी कैजुअलिटी और ऐसा जो मैं देखा था पिछले साल वो ना हो आगे के समय में। तो ये उसी के लिए आर्टिकल है आपका, जो कह सकते हैं हम, एक तो GS Paper 2 में भी आप देख सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशन में कि कहाँ पे है, और उसके बाद डिफेंस बजट के लिए में भी आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर में क्या इंपॉर्टेंस डिफेंस का, और GS Paper 3 जो आपका है सिक्योरिटी, उसमें भी आप इन चीज़ को लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये फ्रंट पेज पर ही, फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एक्सट्रीमिज्म से PM एट G7 समिट। तो G7 का जो समिट हो रहा है लंदन में, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली यहाँ से ज्वाइन किया था, तो इसमें जो उनका जो मेन कमिटमेंट है, मेन जो उन्होंने कहा वो, उसके बारे में ये आर्टिकल है आपका, स्पेशल आउटरीच सेशन था ऑन ओपन सोसाइटीज एंड ओपन इकोनॉमिक्स G7 समिट, इसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया था। इंडिया इज नेचुरल अलाइड टू वर्क विद द वर्ल्ड रिचेस्ट G7 कंट्रीज। इन्होंने कहा है कि इन प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा कि नीड फॉर अ फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का कहना है इनका है, जो हमारे से इंडिया का बॉर्डर इंडो पैसिफिक जो रीजन है पूरा, इसको एक फ्री, कहने का मतलब है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें काउंटर करना पड़ेगा। चाइना जो कह रहा है कि हमारा रीजन है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या बाकी का इंडियन ओशियन का रीजन हो, तो उसको इन्होंने कहा कि इसका फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव होना जरूरी है। इसके अलावा जो
गवर्नमेंट विल स्टडी द यूएस प्रेसिडेंट का एक प्रपोजल, इसमें था G7 समिट बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये ज्यादा ये क्या है बेसिकली, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक तरह से काउंटर पार्ट है ये यूएसए का, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसको आप ध्यान रखें ये टर्म्स को, ये पूछा सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जा सकता है इसको रिलेटेड लेकर क्या है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी हमने डील किया पहले के ट्यूटोरियल्स में, इसको आपने आप जानते भी होंगे सर। ये चाइना का जो प्रोजेक्ट है कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे वो है ना नेविगेशन जो है बेल्ट एंड सॉरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करने का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है साथ ही साथ डेप्थ देने का और इकोनॉमिक उसको कंट्रोल करने का, तो इसको लेकर के एक यूएसए ने अपना काउंटर प्रपोजल जो है यहाँ पे दिया है। इसके अलावा इंडिया ने क्या कहा कि टाइमली ट्रांसपेरेंट एक्सपर्ट लेड एंड साइंस बेस्ड WHO कन्वेंट फेज 2 कोविड ओरिजिन स्टडी, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है कि कोविड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसको है ना बेसिकली हमें जानने की जरूरत है एक सही तरीके से। WHO ने ऑलरेडी एक स्टडी किया है बट उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, उसका अपोजिशन भी हुआ है कि वो सही स्टडी नहीं है, तो यूएसए ने इसको काउंटर भी किया है और कहा है कि इसको लैब थ्योरी को ज्यादा अच्छे से देखने की हमें जरूरत है। तो मोटा मोटी क्या यहाँ पर हुआ, आउटकम क्या निकला G7 समिट से ओवरऑल, एक तो हमने जो पहले ही देखा था कि G7 देश जो है 7 देश जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज जो है वो डोनेट करेंगे डेवलपिंग नेशंस को, जैसे कि जो लो इनकम कंट्रीज है यहाँ पे वैक्सीन अभी कम है या फिर उनके परचेजिंग पावर उतना नहीं है। इसके अलावा ये जो हमने देखा बिल्ड बैक बेटर जो अल्टरनेटिव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ BRI, चाइनाज का BRI जो है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का। इसके अलावा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स इसको ऑलमोस्ट इन्होंने पास किया है, एक तरह से सहमति जताई है। ये क्या है कि 15% जो है मिनिमम टैक्स कोई भी MNCs को देना पड़ेगा, अगर किसी टैक्स हेवन में वो जा करके अपना बिजनेस दिखाते हैं, बहुत बार क्या होता है कि वो टैक्स छुपाने के लिए वो अपना बिजनेस दिखाते हैं कि तो छोटी सी कंट्री है जहाँ पर टैक्स हेवन कंट्री में दिखाते हैं और वहाँ पर उनको टैक्स देना नहीं पड़ता टैक्स की, और जो मेन कंट्री है जहाँ पर उनका एक बिजनेस है मेन बिजनेस जैसे USA हो गया इंडिया हो गया, तो वहाँ उन देशों को टैक्स नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए ये G7 कंट्रीज ने कहा है कि जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग की तरह से हो रहा है ये टैक्स की चोरी जो हो रही है उसको रोकने के लिए मिनिमम 15% जो है MNCs को टैक्स देना ही होगा, अगर कहीं पे आप टैक्स कम टैक्स दे रहे हैं तो बाकी का टैक्स आपको जो रेसिडेंट आपकी कंट्री है वहां पे आपको देना होगा। इससे इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया के भी बहुत सारे टैक्स रिवेन्यू चले जाते हैं इसमें। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ COVID-19 जो हमने यहाँ पे देखा ट्रांसपेरेंट, इसके अलावा कॉल ऑन टेक कंपनीज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू सेफ साइबर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साइबर इन्वायरमेंट को हमें सेफ बनाकर रखना है, इसके लिए टेक कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आगे आना चाहिए। इसी का एक एक्सटेंशन आर्टिकल है पेज नंबर 8 पे, ये इसमें जो PM ने इसी G7 समिट में कहा कि सपोर्ट मांगा है G7 कंट्रीज से, जो इनका ऑलरेडी हमने इंडिया ने इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल दिया था ट्रिप्स में पिछले साल अक्टूबर में कि वेवर किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कोविड रिलेटेड मेडिसिन और वैक्सीन पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने हमारा अलग से वीडियो भी है उसका हम लिंक दे देंगे आपको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी जैसे आपको इनोवेशन कर रहे हैं साइंटिफिक नया चीज़ें आ रही है उस पर आपको जो है जो इनोवेटर है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसको एक रॉयल्टी मिलती है कि भाई आपने ठीक है आपने इतना मेहनत करके अपने दिमाग लगा के कुछ इनोवेट किया है उसको आपको कुछ पैसा मिलना चाहिए, मोनिटरी आपको मोटिवेशन होना चाहिए इन्वेंशन का, तो वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका हो गया वो एक तरह से, और राइट जो है उसको आप बेच सकते हैं किसी भी कंपनी को या खुद रख सकते हैं। इसको इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि हम वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि जो कुछ कंपनियां हैं जैसे फाइजर हो गया मॉडर्ना हो गया जॉनसन एंड जॉनसन हो गया इंडिया में 2 कंपनी है, तो इनके पास ही जो है वैक्सीन इन्होंने बनाया है तो इनका IP पेटेंटेड है ये वैक्सीन, तो क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है तो प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड ओवर में काफ़ी लिमिटेड वैक्सीन का, जितना चाहिए हमें वैक्सीन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या है, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन है तो लिमिटेड अवेबिलिटी है, कुछ देश के पास ही वैक्सीन कैपेबिलिटी है और दाम भी ज़्यादा है तो बाकी देश उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये चीज़ को रोकने के लिए कैसे हम रोक सकते हैं, तो अगर हम वेवर कर दें IP वेवर तो दूसरे देश जो दूसरे कंपनियां हैं वो भी उसको प्रोड्यूस कर पाएंगी, प्रोड्यूस करने के प्रोडक्शन बढ़ेगा दाम कम होंगे और दूसरे देशों के पास वो अवेलेबल हो पाएगा। तो ये चीज़ है वैक्सीन के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी, ये मोटा मोटी मैंने बताया। बाकी जो है आप वीडियो देख सकते हैं उस पर डिटेल में आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रिप्स के एग्रीमेंट क्या है, वो सारा कुछ हमने बताया है। तो इसमें 3 सेशन जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किए हैं, एक है आपका जो हो गया ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक एंड एक्सेस टू वैक्सीन जिसका हमने बात की अभी, और डोनेट करने का जो इसमें बात की गई है वहाँ पर, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज समिट का भी पे भी एक सेशन हुआ था उस पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया।
तो ये COP जो इसका समिट होने वाला 26वां समिट जो है UK में इसी साल आखिरी में होने वाला है, उसका हमने ऑलरेडी कवर किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी आगे इसके और न्यूज आएंगे, तो इसको आपको देख कर चलना है। ठीक है, तो G7 समिट आपको पता ही है और G7 में क्या क्या हुआ आप समझ गए। तो ये आपका GS Paper 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो दोनों में आप जो इन चीज़ों को के लिए नोट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 1 पर ही हैदराबाद टोल शोज मासिव अंडर काउंट। तो ये हम जो अलग अलग स्टेट्स का ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बिहार ने जो पहले ही ना फिर से रिकाउंटिंग कराया तो उसमें देखा गया कि 72-73% ज़्यादा डेथ हुए हैं कोविड से। महाराष्ट्र ने भी देखा कि अंडर काउंटिंग हुआ था पहले, उसको बढ़ाया गया है। बाकी सिटीज़ का हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं न्यूज में कि है ना डेथ जो एक्सेस हुए हैं, गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड डेटा बता रही है वो काफ़ी कम है, अंडर काउंटिंग है। उसी में सीरीज में एक तरह से हैदराबाद का भी नाम जुड़ गया है। यहाँ पर भी जो RTI बाकी एक्टिव बाकी तरीके से जो एक्सेस डेथ निकाला गया है वो उसमें देखा गया कि जो ऑफिशियल फिगर गवर्नमेंट ने बताए हैं 3,272 डेथ हुए हैं, तो उससे 10 गुना तकरीबन ज़्यादा डेथ यहाँ पर ये रजिस्टर्ड हुआ है एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ का ये फॉर्मूला था फिर से बता देता हूँ आपको। ये क्या होता है कि जैसे कि ना पैंडेमिक 2020 में आया, 2021 में आया, या मंथ आपका से 2021 के मैंने बात कर लूँ तो ना मार्च से आप जोड़ सकते हैं, मार्च से मई तक का। तो इसको काउंट कैसे किया जाता है कि भाई 2020 में चलो पैंडेमिक था, तो 2019 के पहले 5 साल हम ले लेते हैं, 2015 से 2019 का जो है जो रजिस्ट्री म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्री का डेटा देखा जाता है जहाँ पर कि सारे डेथ रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कहीं भी डेथ होता है, बर्निंग होती है, तो वहाँ म्यूनसिपैलिटी में वो डेथ का रजिस्टर्ड होता है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है। तो वो डेटा इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, मान लीजिए वो एक्स डेटा कुछ आया और उसके बाद इस ये पूरे 5 साल इसमें सिर्फ इस महीने का देखा गया, मार्च से मई महीने का सेम पीरियड का, और इसी पीरियड में 2021 का डेटा देख लिया हमने कि कितने डेथ रजिस्टर्ड टोटल डेथ हुए हैं, भले वो कोविड या नॉन कोविड जो भी गवर्नमेंट ने दिखाया, तो इस महीने में कितना डेथ हुआ है, तो ये मान लीजिए वाई हो गया। तो अब देखा जा रहा है कि जो एवरेज जो एक्स है 5 सालों में और ये जो वाई है, तो ये वाई जो है तकरीबन इससे 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये एक्सेस डेथ जो है वाई में जनरली मार्च से मई महीने के बीच में मान लीजिए 100 डेथ होते थे हैदराबाद में, अभी जो देखा गया है इस साल वो तकरीबन 1,000 डेथ हुए हैं, तो 10 गुना ज्यादा डेथ हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो कोविड के कारण हुए हैं ज्यादा डेथ और गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो नहीं आ रहा है। ये देखिए 2020 का भी इन्होंने बताया, ये एक्सेस डेथ का फिगर है, ये नॉर्मल जो गवर्नमेंट ने बताया है ऑफिशियल डेथ कि हमारा इतना डेथ हुआ है कोविड से, और ये जो एक्सेस डेथ रिकॉर्ड हुआ है आप देखिए जुलाई में इतना पीक हुआ था और यही आपका मार्च में भी इतना, ये डिफरेंस जो है ये कहा जा रहा है कि कोविड से रिलेटेड ही है जो गवर्नमेंट छुपा रही है डेटा। ठीक है, तो ये हर जगह है इसका इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको अभी ना रिफ्यूज किया था, इंटरनेशनल जो है कुछ कमी इंटरनेशनल एक पब्लिकेशन आया था उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिफ्यूट किया था कि नहीं ये सही डेटा काउंटिंग नहीं है। ये मोटा मोटी है आपका पेंडेमिक से रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स का उन्होंने देख लिया है। चेन्नई का हमने देखा ऑलरेडी पहले भी न्यूज में आया था, आपका गुजरात का आया, कोलकाता का आया, तो अलग अलग जगह का आ चुका है ये। पेज नंबर 5 पे एक आर्टिकल है, डिमांड स्टॉक्स इलीगल रोजवुड फेलिंग। तो ये रोजवुड जो ट्रीज है केरला में देखा जा रहा है कि इलीगल जो है पेड़ काटे जा रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है, क्योंकि है ना एक अच्छा खासा दाम जो इस ट्री का मिलता है और उसके बाद जो पेंडेमिक को की है वो चीज की है, तो फार्मर्स के पास और कमाई नहीं है, तो उसको उनको और लालच दिया जा रहा है कि आप इनको अपने उनके जो खेत में जो रोजवुड ट्रीज है उसको आप बेचें। तो ये इलीगल है, इसको लेकर के वहाँ पर कंट्रोवर्सी भी चल रही है और गवर्नमेंट ने विजिलेंस कमेटी भी बनाई है इसको देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। मेन जो एरियाज है डिस्ट्रिक्ट है वो एलानाद है आपका, ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट भी है आपका, यहाँ पे ज़्यादा ये फेलिंग मतलब पेड़ का काटने का देखा जा रहा है। रोजवुड ट्रीज क्या है, ये साइट्स कन्वेंशन में भी प्रोटेक्टेड ट्री है, एक तरह से वनरेबल कैटेगरी में आता है IUCN के लिस्ट में, ये है क्या, तो ये डिसिड्यूस ट्री है, ट्री का प्रकार जानते हैं, तो डिसिड्यूस ट्री रोजवुड ट्री है, नेटिव है बेसिकली इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर कहें, और दूसरे जगहों पर भी ये ग्रो होता है। इसका काम आता है फर्नीचर बनाने, प्लाईवुड बनाने में, डेकोरेटिव वुड्स प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट आपका है, शीशम भी कहा जाता है इसको। इंडिया ने प्रपोज किया था इसको रिमूव करने के लिए, साइट्स में जो आपका ये कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन इससे हटाने के लिए, ये ऐसा कहा गया था क्योंकि इसका जो है हैंडीक्राफ्ट जो लोकल हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स
है यहाँ पे इंडिया में, वो इस पर डिपेंडेंट है, उनकी रोजी रोटी इसी चलती है। तो वो इस ट्री का बेसिकली हैंडीक्राफ्ट कन्वर्ट करते हैं, उसको बेचते हैं। तो अगर ये साइट्स कन्वेंशन में रहेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल जो है इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तो इसको लेकर के इंडिया ने पहले आई थिंक 2 साल हो गया इसको अपना पेटिशन दिया था कि इसको रिमूव किया जाए। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये जो है वनरेबल कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन का आप जानते होंगे, ये इंटरनेशनल यूनियन जो है आपका, इसमें प्लांट और एनिमल स्पेसीज को कैटेगराइज किया जाता है कि जो कि कितना थ्रेटेंड है, प्रोटेक्ट करने की इसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उस स्पेसीज पे इसका कैटेगराइजेशन होता है। तो ये भी जो है उसमें वनरेबल कैटेगरी में आता है। तो ये मोटा मोटी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है आपका। बहुत सारा प्रीलिम्स पूछा जाता है ऐसे रिलेटेड आर्टिकल्स, तो इसको आप ध्यान रखें कहाँ पर ये ग्रो होता है, किस रीजन में, और इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको थोड़ी आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। इस चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन दबाएं, और लोगों के साथ भी आप इसको शेयर करें। तो पहला जो आपका है, द वर्ल्ड इज हार्डली वेयर वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। तो साइबर रेजिलियंस की इन्होंने बात की है कि ना साइबर सिक्योरिटी जो है अभी काफ़ी, साइबर वल्नरेबिलिटी जो है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम देखें तो सारा कुछ हमारा कुछ भी है ना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नॉन क्रिटिकल हो, सारा कुछ जो है ऑनलाइन नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। तो उस पर काफ़ी जो साइबर अटैक्स भी हाल के दिनों में, हाल के सालों में देखने को मिले हैं, काफ़ी बढ़े हुए। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ भी हमें काफ़ी साइबर अटैक देखने को मिला है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कहा जाए तो 2020 के अंत में एक सोलर विंड्स करके साइबर अटैक वहाँ पे देखने को मिला था, डेटा ब्रीचेज ये सब कुछ कुछ हुआ था। इससे रिकवर हो पाता, इससे पहले 2021 के शुरुआत में भी है ना साइबर अटैक देखने को मिला 40 फर्म हैक नियम के द्वारा। तो जब डेवलप्ड कंट्री में इतने सारे है ना कह सकते हैं कि साइबर अटैक देखने को मिल रहा है, तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को भी इससे लिए सतर्क होने की ज़्यादा जरूरत है। तो इंक्रीज देर आफ्टर यूएस विटनेस 3 मोर मेजर अटैक्स वहाँ पे देखने को मिला है। बहुत सारे जो है स्टाइल डार्क साइड कॉलोनियन पाइपलाइन, वहाँ पे एक कंपनी, वहाँ पे कॉलोनियन पाइपलाइन जो है उसको भी कैप्चर किया गया। वहाँ की पाइपलाइन कंपनी को वो बंद करना पड़ा, टेम्पोरी अपना ऑपरेशन शट करना पड़ा। और रैनसम में भी बहुत बार क्या होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। रैनसम वेयर जो होता है, रैनसम वेयर अटैक इंडिया में भी हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वो एक तरह से बंदी बना ली, जैसे कि आप किडनेपिंग होता है उसी तरह से आपके कंप्यूटर को वो ब्लॉक कर देंगे, और उसको चुराने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बिटकॉइन में ज़्यादातर इसको यूज होता है। तो आदि अटैक से मेनली सिविलियन टारगेट्स थे। साइबर जो फिफ्थ डोमेन ऑफ डायमेंशन ऑफ वारफेयर कहा जाता है। तो चार ऑलरेडी हम जानते हैं, एक तो हो गया आपका वाटर, एयर और लैंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये साइबर वारफेयर पांचवा पोजिशन है काफ़ी, और अभी के समय में कहा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस तरह से यूज जो वारफेयर का टेक्निक है। अभी तक जो कहा जाता था कि साइबर डिफेंस जो है गवर्नमेंट कर रही थी कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट को हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन अब जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो नॉर्मल यूजर्स सिविलियन टारगेट्स को, सिविलियन कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को भी टारगेट बनाया जा रहा है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी रिफर टू अ 0 डे दैट हैड कैपेबिलिटी टू क्रिपल अ सिस्टम एंड कपल एंड कुड लाई अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये अभी जो है, ये जो डिफेंस गवर्नमेंट कर रही है वो 0 डे के लिए है कि भाई है ना ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम को क्रिपल कर लिया जाए। मोस्ट सेलिब्रेटेड 0 डे सॉफ्टवेयर ऑफ दिस काइंड इंडेक्स स्ट्रक्चर देखा गया था वहां पर, ईरानी ईरान का न्यूक्लियर इनमेज प्रोग्राम को कुछ साल पहले जो है उसको रैनसम कर दिया गया था इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ के सिस्टम को। तो टुडे अदर 0 डे सॉफ्टवेयर नो डाउट एग्जिस्ट, दो लिटिल इज नोन अबाउट दैम। वॉट इज हाउ एवर एविडेंट इज दैट होल न्यू मार्केट करेंटली एग्जिस्ट फॉर 0 डे सॉफ्टवेयर आउटसाइड द मिलिट्री डोमेन एंड द वर्ल्ड मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। तो अभी तक जो क्या था, गवर्नमेंट कह रही थी कि करती, अभी भी जो कर रही है कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट को ज़्यादातर वो प्रोटेक्ट करके रखती है कि ऐसा इसमें 0 डे इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन अभी का मार्केट जो अलग हो चुका, अभी जो सिंपल यूजर बेस्ड, कंज्यूमर बेस्ड सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर बेस्ड जो सिस्टम्स है उसको भी, उसको मंदी बनाने के लिए भी 0 डे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों को, सिविलियन टारगेट को भी प्रोटेक्ट करने की अब जरूरत है। सिर्फ मिलिट्री टारगेट को या स्ट्रेटेजिक टारगेट को प्रोटेक्ट करके आप बच नहीं सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं आपकी, जो कंज्यूमर कंपनियां हैं, बाकी जो स्ट्रेटेजिक कंपनियां हैं उनको भी आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, प्राइवेट कंपनी। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिट्री सिविलियन टारगेट इंक्रीज इट इरेज। तो अब जो है ऐसा नहीं कि जो हैकर्स हैं या जो वारफेयर कर रहे हैं या गवर्नमेंट भी कर रही है, कुछ दूसरी सरकार भी अगर उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो सिर्फ अब मिलिट्री टारगेट के ऊपर नहीं है, अब वो सिविलियन टारगेट के ऊपर भी कर रही है। और सिविलियन और मिलिट्री टारगेट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो
बहुत सारा मान लीजिए गवर्नमेंट का भी जो काम है या मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंडेंट है प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्राइवेट कंपनियों से उनका उनके पास डेटा है। तो अगर आप सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेंगे तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्राइवेट कंपनियां जो है, तो वो उसको हैक करके उसको ना टारगेट बना करके आपका जो है इनडायरेक्टली आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हैम्पर किया जा सकता है। इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश करके अब हम नहीं रह चल सकते हैं, हमें दोनों को एक साथ लेकर के दोनों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। रैंसमवेयर दो जो मेन होता है आपके यहाँ पर टारगेट जो साइबर वारफेयर जो होता है, अटैक जो होता है वो होता है रैंसमवेयर, और दूसरा होता है फिशिंग, फिशिंग इंक्लूडिंग स्पीयर फिशिंग। इसको हमने आगे डिफाइन किया है। रैंसमवेयर जैसे मैंने कहा आपको कि आपका जो है कंप्यूटर को बंदी बना लिया जाएगा, आपके नेटवर्क को लॉक कर दिया जाएगा और आपको पैसा मांगा जाएगा कि आप इतना करोड़ों दीजिए तब हम आपके कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे, आपका डेटा आपको देंगे। तो ये रैंसमवेयर जैसे रैंसम रैंसम में जानते हैं जो किडनैपिंग जैसे होता है, तो रैंसमवेयर इसी को कहते हैं। फिशिंग क्या होगा इसका हमने बताया, स्पीयर फिशिंग और फिशिंग जो बात की गई है, तो इसमें दोनों अलग अलग है। फिशिंग जो है वो ब्रॉडर टर्म इतना से है जिसमें कि अटेम्प्ट टू ट्रिक विक्टिम्स इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आपको जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या किया जाएगा, आपको जो है एक तरह से ना डिस्गाइज किया जाएगा, एक वेब पेज बना दिया जाएगा जो लगेगा आपको कि सही वेब पेज है, ऑथेंटिक वेब पेज है, वेबसाइट है, और वहां पे आपसे कहा जाए कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए, गूगल का डालिए, अकाउंट का डालिए, मान लीजिए बैंक अकाउंट का आप मान लीजिए, एसबीआई का अकाउंट आपका, तो एसबीआई का एक ना उसी से पूरी तरह से सिमिलर जो वेब पेज है वो बना लिया जाएगा, और आपको जो है वहां पर लिंक जो है सिमिलर लिंक आपको दिया जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे एक वेबसाइट खुल जाएगा, आपको लगेगा कि ऑथेंटिक एसबीआई का वेबसाइट है, आप जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे जबकि वो जो है डुप्लीकेट वेबसाइट है, और आपका जो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा, फिर आपके एसबीआई अकाउंट से जो है वो ट्रांजेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये चीजें होती है फिशिंग, मतलब डिस्गाइज करते हैं अपने आप को, जो अटैकर है वो अपने आप को अपना पहचान बदल के आपके सामने आ रहा है और आपको बता रहा है कि हम ट्रस्टवर्दी हैं, आप हमारे सिस्टम में पासवर्ड डालें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत चीज है। और वो वहां पे पासवर्ड जैसे आप डालेंगे आपका पासवर्ड जो है वो चोरी हो जाएगा और उसका मिसयूज हो जाएगा आगे। ये सोशल मीडिया को भी किया जाता है, फोन कॉल्स भी जिसे कहा था वॉइस फिशिंग, तो वॉइस फिशिंग होती है, और टेक्स्ट मैसेज को भी, मैसेज के बहुत बार आप टेक्स्ट मैसेज देखेंगे कि ये ना बहुत बार आते हैं इसमें कि आपको कुछ लिंक पर क्लिक करने कहा जाता है जो कि वो लिंक जो है सही नहीं होते हैं, और आप उस पर लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर चला जाता है। फिशिंग अटैक जो पर्सनलाइज अटैक नहीं होता, ये जनरल होता है, सभी को बेसिकली वो मैसेज भेज दिया गया, मैसेज जो है सभी को भेज दिया गया, जो लोग फंसे तो फंसे, नहीं फंसे तो नहीं फंसे। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, स्पीयर फिशिंग में क्या स्पेसिफिक विक्टिम को आप टारगेट करते हैं, तो मान लिया आपने डिसाइड कर लिया भाई मेरा ये विक्टिम हो गया, स्पेसिफिक विक्टिम मतलब इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, तो उसको और उसके बाद जो है उसको अटैक किया जाता है। कैसे, तो इसमें क्या होता है टारगेटेड अटैक है, तो उसमें आपका जो है पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है पहले आपकी कंपनी का कि कहाँ पे आप क्या पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन है, आप किसको ब्राउज करते हैं, क्या आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उस सबको देखने के बाद जो है आपको उस हिसाब से आपको मैसेज किया जाता है, उस हिसाब से आपके लिए अटैक प्लान किया जाता है। इस तरह से स्पेसिफिक अटैक होता है, इस तरह से दैट विक्टिम कमिंग आउट फ्रॉम एंटिटी दैट दे आर फेमिलियर विद और कंटेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उस विक्टिम को कम टारगेट करना है स्पेशली, तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, अच्छी एक्वायरिंग पर्सनल डिटेल आप विक्टिम का लेते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, होम टाउन का, एम्प्लॉयर क्या है, लोकेशन क्या है, जो फ्रीक्वेंट वो जाते हैं, रिसेंटली बॉट ऑनलाइन क्या उन्होंने लिया है, तो आपका पूरा एनालिसिस हो गया, उसके बाद उसी से रिलेटेड फिर आपको मैसेज या वेबसाइट या लिंक जो है भेजा जाएगा ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ ये तो मैंने किया है ब्राउजिंग, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, ज़्यादा थॉट होता है देन फिशिंग। फिशिंग नॉर्मल हो गया, स्पीयर फिशिंग टारगेटेड अटैक हो गया। ये दोनों का आपने समझ लिया, रैंसमवेयर हमने समझ लिया ऑलरेडी दिया है डिफिनेशन में, तो ये मोटा मोटी तीन प्रीलिम्स फैक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं। तो नीड टू बी अवेयर ऑफ नेचर ऑफ साइबर अटैक टू द बिजनेस एंड टेक एडिक्वेट, तो बिजनेसेस को भी अपना साइबर अटैक समझने की जरूरत है कि कैसे क्या हो सकता है, उस हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आए। बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑब्वियसली बात सबसे ज्यादा जो प्रोन है रैंसमवेयर अटैक के, लेकिन उसके अलावा वाइल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और लेटली हेल्थ केयर, अभी जो हेल्थ केयर में आप देखें तो एक कंबाइंड हेल्थ केयर है आपका, वहाँ पे लोगों का ना हेल्थ डेटा रहता है, प्रोफाइल रहता है, तो उसको भी अटैक किया जा रहा है। अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बिकम वाइटल कम्युनिटी, अभी तो कहा जाता है डेटा इज अ न्यू ऑयल ऑयल, तो वो जो है डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, तो उसको पर्सनल डेटा को भी लोग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करके वहाँ से चुरा सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब बैंकिंग और फाइनेंस रह गया है, बाकी चीज़ें भी आप उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। मोटिवेशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, फॉर सम नेशन स्टेट द मोटिवेशन इज जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नेशन स्टेट के पीछे, साइबर क्रिमिनल के लिए क्या प्रॉफिट उनका बढ़ेगा,
ट्रेडर ग्रुप के लिए क्या है कि मोटिवेशन रिमेंस मच द सेम, प्रॉफिट एंड द रिस्क फैक्टर में भी लोअर। तो ये सब चीजें अलग अलग, जो जो अटैक कर रहा है उसके लिए अलग मोटिव है, ऐसा नहीं कह सकते आप एक सिंगल मोटिव सबका पैसा नहीं है। नेशन बहुत बार अगर अटैक कर रहा है, मान लीजिए कोई देश अटैक कर रहा है, तो उसका मोटिव होता है जियो पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है, हमारे हमारे वर्चस्व बढ़ाना वहां पर, और वहां पर हमें देश को कंट्रोल में लेना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रीशियस कम्युनिटी है आज के समय में। डेटा लाइक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डेटा एट रेस्ट, डेटा अगर बात करें तो एक रेस्ट पे है जिसको यूज नहीं कर, क्रिएट है, स्टोर्ड है, इन मोशन, जो कि ट्रांसमिट हो रहा है इनसिक्योर और अनकंट्रोलेबल नेटवर्क पे, और डेटा इन यूज, तो जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो तीनों लेवल पे हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अलग अलग टेक्निक से। तो कौन से एक्सपोजर से डेटा बेसिकली हो सकता है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक्सपोज हो रहा है जैसा कि हम जान रहे हैं, एंड आर नाउ एंगेज इन बिल्डिंग ए जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट, नेमली जीरो ट्रस्ट ऑन इन टू एंड पॉइंट डिवाइसेज, जीरो ट्रस्ट ऑन आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रस्ट ऑन नेटवर्क टू प्रोटेक्ट ऑल सेंसिटिविटी सेंसिटिव डेटा। तो जीरो ट्रस्ट नेटवर्क अब डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसमें एंड ऑल्सो गिवन द नेचर ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर नाउ एंगेज इन बिल्डिंग जीरो ट्रस्ट। तो आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहा नेटवर्क, बस कुछ पासवर्ड कुछ की कंसेप्ट पे ही आप वो आप उसको खोल सकते हैं, ये जीरो ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क हो गया, जिससे हम इन बच सकते हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। कुछ कंपनियां इस पर डेवलप कर रही है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर एजाइल पेरीमीटर सिक्योरिटी, सिक्योर गेटवे, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, थ्रेट एंगेजमेंट, ये सब चीजें जो है इसका पार्ट है, ये जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट का। बिल्डिंग डीप टेक्नोलॉजी इन साइबर इसेंशियल है, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग ऑल्सो प्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू यूज करके भी हम साइबर नेटवर्क को और सिक्योर कर सकते हैं। और रेगुलर हमें क्या करने की जरूरत है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने की जरूरत है, चाहे कंपनी हो या जैसे हमने कहाँ पे कहा कि कंपनी को देखने की जरूरत है कि उनका क्या थ्रेट है, और उसको रेगुलरली असेस करने की जरूरत है, नापने की जरूरत है, उस हिसाब से प्रोटेक्शन बढ़ाने या घटाने की जरूरत है। और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी ग्रो करने की जरूरत है कि भाई आप क्या क्या आप ओपन करें लिंक को या ईमेल को, क्या देखना है आपको, क्या नहीं देखना है, ये सारा कुछ। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, आप कर सकते हैं, ये भी आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप सॉल्यूशन है ये चीज, ये भी सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आपका जो ये भी आपका वही चीज है। बाकी जो है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप डिफिनेशन हम देख सकते हैं क्या क्या कंसर्न है, 0 डे, ये आपका डिफिनेशन आपने समझ में आया, और क्या इसका मोटिव क्या होता है, बेसिकली मोटिव क्या है लोगों का, क्या इससे हासिल हो रहा है, ठीक है। और डिफिनेशन और बाकी फैक्ट्स तो हमने देखा यहाँ पर, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका जो है जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए ये पूरा आपका एडिटोरियल है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल, हायर एजुकेशन केरला नीड्स अ न्यू चैप्टर, तो ये केरला जो नई गवर्नमेंट आई है हायर एजुकेशन को, उन्होंने ज्यादा फोकस है उनका इसको लेकर के, उन्होंने कहा है कि ना कुछ इश्यूज है, बच्चे लोग को बताया गया है कि ना वहाँ पे कॉलेजेस उतने जो ज्यादातर प्राइवेटली फंडेड है, इक्विटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में, लोग ग्रेजुएट करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, उसको अब चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा इनइक्वलिटी है इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज में, मतलब कि देखा जाए तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा जो ग्रो कर गए हैं वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, वहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही खराब है। इसी का वैसे उन्होंने बताया केरला स्पेसिफिक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मोटा मोटी आपको जो है ये चीज़ को आप देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, हाई एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ केरला नहीं बाकी ऑल ओवर इंडिया को भी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हाई एजुकेशन की, ठीक है। ये जीएस पेपर 2 में आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल में आपका ओरिजिन अनक्लियर, ये जो हमने अभी देखा कि ना ये कोविड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कोरोना वायरस को लेकर के, उसी का यहाँ पे भी बात की गई है। तो जो कुछ कहा जा रहा है कि लैब से स्केप किया हो, कुछ साइंटिफिक लीड, कुछ कह रहे जूनोटिक स्पिल ओवर है, मतलब कि एनिमल से प्लांट सॉरी एनिमल से स्पेसीज से ह्यूमन में आया हो, इसका भी रिसर्च चल रहा है, इसका रिसर्च कराना जरूरी है। इसी के ऊपर में कुछ है इन्होंने बताया कि कैसे हम पता कर सकते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिकली बायोलॉजिकल है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं आपका कि है ना, लेकिन ये है चीज़ है कि हमें इसका सोर्स पता लगाने की जरूरत है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ज़्यादा तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसका ऑलरेडी हमने कवर किया, ऑलरेडी WHO जो है इस पर शायद एग्री हो गई है कि वो हम जो है नया रिसर्च करेंगे इसके ओरिजिन पे, तो देखने की बात होगी आगे क्या इस पर रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आपका एडिटोरियल जो है रिन्यूड अनसर्टेनिटी, ये जो इकोनॉमी को लेकर के अभी जो IIP का डेटा आया है अप्रैल महीने का,
इसमें देखा गया कि जो इकोनॉमी है, अगर मंथ टू मंथ बेसिस पे देखें, अगर मंथ से कंपेयर करें तो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, इकोनॉमी गिरी है मेजर इंडिकेटर्स पे। आईआईपी जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका डेटा रिलीज किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा करती है। इसका तीन मेजर इसमें सेक्टर में बांटे गए हैं, बहुत सारे आइटम्स है, इंडस्ट्रीज है जिसको तीन मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो सभी में बेसिकली रिवर्सेस देखने को मिला है, सभी मतलब कि जो है ग्रोथ निगेटिव हुआ है। अगर प्रिसीडिंग मंथ से हम कंपेयर करें, यानी मार्च से, हम मार्च 2021 से कंपेयर करें, तो छह इंड्यूज कैटेगरीज के अंदर और भी है, मतलब कि सब कैटेगरीज है, सिक्स इंड्यूज, प्राइमरी, कैपिटल, इंटरमीडिएट एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स। ये कैटेगरीज अलग अलग जो यूज होता है सामान का, उसमें सभी में देखा गया है कि है ना मंथ ऑन मंथ कॉन्ट्रेक्शन है सभी में। यूज जो है सामान, अलग अलग सामान जो है, अलग अलग मतलब प्राइमरी कैटेगरीज का सामान हो गया, कैपिटल हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए गुड्स यूज होता है, तो सभी तरह के गुड्स में कॉन्ट्रेक्शन यानी कि यूज जो है वो कम हुआ है। हम कह सकते हैं डेटा से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मार्च से अगर कंपेयर करें तो सभी में जो है कंज्यूमर्स कंज्यूमेबल्स कम हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो आईआईपी में है, आपका 77.6% वेटेज है, अलग अलग जो तीन चीज देख रहे हैं आप, तीनों का अलग अलग वेटेज है आईआईपी में। तो मैन्युफैक्चरिंग का 77% सबसे ज्यादा वेटेज है। इसमें जो है ये श्रिंक हुआ है 12.6% फ्रॉम मार्च, मार्च 2021 में जितना था इसका ग्रोथ, उससे वो 12%, 12.5% कम हुआ है। और इंडस्ट्री 13% सिक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन इन ओवर इंडस्ट्री, 13% बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस बार जनरली क्या होता है, आईपी डेटा जो है पिछले साल के महीने सेम मंथ से कंपेयर किया जाता है, मतलब अप्रैल का जो डेटा है तो अप्रैल 2020 से कंपेयर किया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अप्रैल 2020 में एक अलग सिचुएशन थी, लॉकडाउन था, नेशनल लॉकडाउन, डेटा भी अवेलेबल नहीं था। इस बार क्या किया गया, अप्रैल 2019 से एनएसओ ने कहा कि हम अप्रैल 2019 से कंपेयर करेंगे ताकि हमारा सही कंपेरिजन हो सके। तो 2019 से जो कंपेयर किया गया तो दिखाया कि मार्जिनल 0.08% सिर्फ ग्रोथ देखने को मिला है, यानी प्री कोविड से भी हमारा ग्रोथ जो है सिर्फ 0.08% है, और ज़्यादातर इसमें ग्रोथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही आया है। इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजम्पशन जो है वो अप्रैल 2019 से, अगर हम अप्रैल 2021 अभी की बात करें, तो 6.8% ग्रोथ हुआ है, इसी के कारण हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो है 0.9% घटी है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, जिसमें कि आपका हाउस होल्ड एसेंशियल्स हो गया एक तरह से, वो 11% कॉन्ट्रैक्ट किया है मार्च से, मार्च में जितना फिगर था उससे 11% कम हो गया है, घट गया है। आईपी एयरलाइन से तो लैग ऑफ 6 वीक, 6 वीक के बाद आता है बेसिकली, अगर अप्रैल की बात करें तो वो अप्रैल का डेटा अभी हम देख रहे हैं, जून में आ रहा है, तो 6 वीक के बाद वो डेटा आता है, लैग होता है। एमए लकी टू बी इंडिकेटर पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, पास्ट का भी अभी से बात हम देख रहे हैं इसको स्टिल, क्योंकि हम जो है अप्रैल का डेटा हम देख रहे हैं, तो एक ना 2 महीना पहले का हम डेटा हम एनालाइज करें, लेकिन अगर हम मई का डेटा भी चाहे, मई में क्या हो सकता है, अगर आपको लगे कि नहीं मई में तो हो सकता ग्रोथ आ गया हो, ऐसा नहीं है। मई का डेटा भी देखा गया अगर, तो इसमें मई का डेटा जो अवेलेबल है, कौन कौन सा पीएमआई, ये सर्वे होता है, इसका हमने ऑलरेडी बताया आपको, प्रोड्यूसर परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स होता है, ये सर्वे किया जाता है बेसिकली कंपनियों का और कंपनी के लोगों का, उसके बेसिस पे डेटा आता है। ये डेटा हो गया, रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स हो गया, इस सबको जब मई का जो डेटा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको अगर हम इस डेटा को हम देखें तब भी हमें दिखेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बहुत ही खराब हुई है, घटी है मई में भी। मई का आईआईपी डेटा तो अभी जुलाई में आएगा, लेकिन अभी जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है मई का, उसको भी देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन में दिखने को मिलेंगे। ये जो सर्वे IHS मार्केट वाला पीएमए के, ये जो देखा गया इसमें कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टेगनेट हो गया लास्ट मंथ से, और सर्विस सेक्टर जो पहली बार 8 महीने में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घटा है। कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स जो है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस मिला करके, वो 55 नंबर था आपका अप्रैल में, अब वो 48.1 हो गया है, घट गया है। तो ये इकोनॉमी ओवर देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो घट रही है अप्रैल से ही, आईपी डेटा तो हमें बार से ही, और मई का जो बाकी डेटा है उससे से मिल रहा है कि अभी भी इकोनॉमी जो है डीप रिकवर नहीं की है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन आधा हो गया मई के मुकाबले, रियल इनकम घट रहा है, डिप्लेटेड सेविंग्स, इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, इसको गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, सॉल्यूशन क्या है भाई? तो इन एडिंग टू इंश्योर या एडिंग रिकवरी, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपेडाइट टारगेटेड डिमांड क्रिएटिंग फिस्कल सपोर्ट, तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल सपोर्ट गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, सेक्टर वाइज हो या इंडिविजुअल वाइज हो, और ड्रास्टिकली क्विकन पेस ऑफ वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इकोनॉमी को फिर से पूरी तरह से खोल पाए। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गया, ये आपका इकोनॉमी का कैसे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, इकोनॉमी का जब भी आपका डेटा आता है, मान लीजिए कुछ सवाल आते हैं, तो उसमें आप इन
इंडेक्स को जरूर आप कोट कीजिए कि इस इंडेक्स का मतलब ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, उससे आपका जो आंसर जो वो फैक्चुअल और एक नहीं क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल लगेगा कि नहीं सही आपका आंसर है। नेक्स्ट जो आपका ओपेट पे पेज नंबर 7 पे आर्टिकल है प्लानिंग फॉर बायो सिक्योर फ्यूचर, तो इन्होंने जो है बायो सिक्योर को के उसी को कोरोना वायरस को लेकर के ये है कि कोविड का ओरिजिन जो कहा जा रहा है कि WHO के सॉरी वुहान के लैब से निकला हो, एक जो थ्योरी बताई जा रही है तो उसको लेकर कहा कि बायो सेफ्टी भी पे भी नेशंस को गवर्नमेंट को ग्लोबली ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रैपिड राइज ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी जो है बहुत बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के बायो वेपन की तरह हम जो यूज ना हो जाए, सिंथेटिक बायोलॉजी को हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज ना करें, इसको लेकर के गवर्नमेंट्स को अलग अलग देशों को इस पे सतर्क होने की जरूरत है। न्यू ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल पार्ट्स एंड डिवाइसेस कैन बी क्रिएटेड एंड और दैट एग्जिस्टिंग नेचुरल लाइफ कैन बी री इंजीनियर्ड, तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी को यूज करके हम जो है बायोलॉजिकल पार्ट्स ने क्रिएट कर सकते हैं, नया डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी जो नेचुरल लाइफ में कोई वायरस या कोई एंजाइम्स हैं उसको हम री इंजीनियर कर सकते हैं, उसका जीन चेंज करके DNA चेंज करके उसको हम नया रूप दे सकते हैं। 2014 में ही US ने सिंथेटिक बायोलॉजी को एक डिसेप्टिव बेसिक रिसर्च एरिया कैटेगराइज किया था। सिंथेटिक बायोलॉजी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी विच कैन हेल्प अस मैनिपुलेट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस फॉर ह्यूमन बेटरमेंट, तो ये बेसिकली तो है बेटरमेंट के लिए, कोई आने वाली को डिजीज है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू ट्रीटिंग डिजीजेस, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, अभी जो है मिसयूज भी ज्यादा हो रहा है, डिलिबरेट मिसयूज का इसमें अनुमान है, हो सकता है उसको आप वीपन की तरह यूज कर सकते हैं। तो वे पेंडेमिक जो हमने देखा तो बायो सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस वेयर सच टेक्नोलॉजी आर यूज, तो इसको हमें देखने की जरूरत है, जहां जहां जिस लैब में मान लीजिए ऐसे सिंथेटिक बायोलॉजी का रिसर्च हो रहा है उसमें हमें देखने की जरूरत है कि बायो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो वहां पर है कि नहीं है, एक्सीडेंटल लीक्स जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कोविड में हो सकता है वैसे आगे ना हो। ये क्यों होता है भाई? तो इनसफिशेंटली ट्रेंड स्टाफ, स्टाफ उतने ट्रेंड नहीं है, सेफ गार्ड फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते हैं, इस कारण से वहाँ पे लीक भी हो सकता है, इन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है, बायो सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे लगाने की जरूरत है। न्यूक्लियर वेपन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, अगर हम कहा जाए तो वेपन मास डिस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अनदर न्यूक्लियर डोमेन द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी आर नॉट रेगुलेटेड इंटरनेशनली, इसको रेगुलेट उतना नहीं किया जाता सिंथेटिक बायोलॉजी को, डिस्पाइट ग्रोइंग मिलिट्री इंटरेस्ट इन सिंथेटिक बायोलॉजी, मिलिट्री भी ग्लोबल मिलिट्री कंट्रीज के मिलिट्री आर्म्स भी जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको बायो वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं, तब भी हमें हम जो अभी तक इंटरनेशनल कुछ रेगुलेशन वैसा नहीं है इसको हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। वेपन मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो तीन बेसिकली जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन अभी तक बताए जाते हैं, एक होगा न्यूक्लियर वेपन, दूसरा हो सबसे ज्यादा इस पे की सेफ्टी और सिक्योरिटी अटेंशन देशों का रहता है कि भाई क्या होगा नहीं होगा इस पे, दूसरा आता है केमिकल वेपन, और सबसे लास्ट में जो आपका है बायोलॉजिकल वेपन। उसके लिए सिर्फ एक ही रेगुलेशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है एग्रीमेंट, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन ऑफ 1972, और ये जो उसका ये है एक ही है, लेकिन इसका भी बेसिकली जो है उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना ये मजबूत नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन बॉडी इसकी नहीं है कि मान लीजिए एक आपने इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि हम मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन का हम कहे तो अलग अलग है, वेस्ना एग्रीमेंट्स हो गया आपका, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है आपका, तो ये सब चीज़ है जो अलग अलग जो है जो उसको देखती है न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन ये टॉक्सिक बायोलॉजिकल वेपन के लिए कोई भी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है इस एक्ट को जो इम्प्लीमेंट कर सके, कोई वेरिफिकेशन क्लॉज भी नहीं है, नॉट डज इट हैव ए क्लियरली लेड डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर टू गाइड रिसर्च, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। इन अदर वर्ड्स व्हाइल बायो वेपन्स आर बैंड, रिसर्च एंड फॉर मेडिकल एंड बायो डिफेंस पर्पस आर अलाउड, अभी क्या है बायो वेपन्स तो ऑब्वियस बात है बैन किया गया है, लेकिन मेडिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस में आप रिसर्च कर सकते हैं, और यही ऑथर का कहना है कि इस बहुत ही थीन लाइन है दोनों के बीच में, बायो डिफेंस और बायो वेपन के बीच में, आप बायो डिफेंस का रिसर्च करते करते उसको बायो वेपन की तरफ भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये चीज़ को हमें दोनों को सही तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है। 2021 नवंबर में ये जो कन्वेंशन इसका एक रिव्यू होने वाला, देखने की बात होगी आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी जो है काफी चेंजेस हो चुके हैं। इंडिया एक यूनिटी डिसएडवांटेज पोजीशन में, एक तो हमारा डिजी सर्विलेंस अच्छा नहीं है, इनसफिशियंट कोऑर्डिनेशन नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है बायो सिक्योरिटी से रिलेट करते हैं जो डील करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री है, एंड द पैथेटिक स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, तो इंडिया को का जो स्टेटस है अभी वो और भी खराब स्थिति है, अगर कुछ बायो वेपन्स या बायो सेफ्टी कुछ होता है, अगर कंसर्न होता है तो उसमें हम पूरी
पुअरली फेस करेंगे, जैसा कि हमने अभी पेंडेमिक में देखा। इसके क्या कारण है? तो ये कारण है आपका बायो सेफ्टी को डील करने के लिए, बायो सेफ्टी के थ्रेट को डील करने के लिए इंडिया पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन को डील करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बीच में अच्छी नहीं है। बायो सेफ्टी गाइडलाइन की बात करें तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसको देखती है, जबकि लैब्स जो कि बायो रिसर्च कर रहे हैं वो आईसीएमआर के अंदर में आते हैं, और या फिर आईसीएआर के अंदर में आते हैं जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, और ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एग्रीकल्चर बीच में आता है। यानी सेफ्टी गाइडलाइन को और देख रहा है, और जो रिसर्च जो उस पर कर रहा है बायो सेफ्टी पे, वो किसी और मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और दोनों के बीच में समन्वय अच्छा नहीं है। तो दिक्कत क्या है इंडिया के बीच में? एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज इन मिनिस्ट्री मेकिंग कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, अलग अलग बॉडीज और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, और दूसरा राइजिंग रिस्क ऑफ डिजीज ऑफ जूनोटिक ऑरिजिन, ट्रेडिशनल मिनिस्ट्री वाइज सेपरेशन शायद ठीक ना हो। हमें एक सिंगल बेसिकली जो है इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है, जो कि इस चीज को बायो सेफ्टी को देख सके कोऑर्डिनेशन के लिए भी। और इंडिया का बॉर्डर बॉर्डर ही पोरस है, आसानी से आप आ जा सकते हैं, और बॉर्डर कंट्रोल सिचुएशन वो स्टाफ है या मिलिट्री है वो बायोलॉजिकल वेपन से बायो सेफ्टी से डील करने में इल इक्विप्ड है, इल ट्रेंड है, तो इस चीज पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बायो सेफ्टी समझ लिया आपने। और ये क्या है? तो ये जो है आपका जीएस पेपर 3, जो आपका इन्वायरमेंट भी हो गया, बायो सेफ्टी भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया आपका, तीनों में आप इसको इसका नोट्स आप लिख सकते हैं। ये जो कन्वेंशन की बात की, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पहला मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बैनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग, ना डेवलप कर सकते हैं आप, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं अपने पास, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये 1972 में सिग्नेचर के लिए स्टार्ट हुआ था, वहां से इसको लाया गया था, 1975 में ये फोर्स में आ गया, क्योंकि देशों ने उसको एग्री कर गया। इंडिया ने भी इस ट्रीटी को साइन किया है 2015 में। और ये क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग एक्वायरिंग एंड डिटेनिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कैन बी यूज्ड एज वेपन, इसको बैन करता है। इसका अभी 8th रिव्यू कमिटी जो लास्ट हुआ था आपका 2016 में जिनीवा में हुआ था, अभी 2021 में इसका 9th होने वाला है। तो देख सकते हैं आप कितना ऑलरेडी गैप है, और इसमें रिव्यू में भी कुछ खास रिजल्ट निकल के नहीं आया। इस इंस्टीट्यूशन को, इस एग्रीमेंट को, इस कन्वेंशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका सॉरी ओपेड पे ही है, विदेन मैनिचिन विजन, ये जो है विदेन तारीफ की गई एक तरह से, जो यूएस प्रेसिडेंट है कि भैया वो जो उन्होंने ऑटोक्रेटिक जो है, पहले ट्रम्प थे उनका ऑटोक्रेटिक विजन था, उसको हटा करके इनका ज्यादा मानना है कि ये डिक्टेटरशिप पे ये बिलीव नहीं करते हैं, और डेमोक्रेसी पे ज्यादा इनका बिलीफ है। फॉरेन पॉलिसी से ये देखने को मिलता है। G7 में अगर बात कहा जाए तो पहले के G7 समिट हुए थे कुछ सालों में, अभी उसमें कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया था खास। अभी के G7 समिट में हम देखें तो एक अच्छा खासा आउटकम देखने को मिला है, तो इनकी बेसिकली तारीफ की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपका है, यहाँ पर इस G7 समिट में 4 गेस्ट पार्टिसिपेंट को कंट्रीज को भी अलाउ किया, इनवाइट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया ने तो वर्चुअली अटेंड किया था, बाकी ने वहाँ पर जाकर अटेंड किया था। तो G7+3 ये जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, इसको एक अलग नाम दिया गया, D10 कॉलिशन। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये पूछा सकता है प्रीलिम्स में भी, ऑब्जेक्टिव में। D10 क्या है? तो G7+ ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया और प्लस साउथ कोरिया, कोरिया ये मिला करके D10 होता है। ठीक है, एज ए नेसेसरी इशू टू ब्रिज यूरोपियन एंड रीजनल एशियन अप्रोचेस टू चाइनीज चैलेंजेस। तो क्योंकि ये एशियन कंट्रीज अगर देखा जाए तो G7 में सिर्फ एक ही एशिया देश है, जापान एशिया का, और इस तीनों देशों, ये तीन बेसिकली एशिया के ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अलग है लेकिन एशिया का ही पार्ट है। तो ये इसका एम क्या है, ये अलग से D10 को बनाने का, कि भाई जो यूरोप और जो यूएसए है उसका अप्रोच जो चाइनीज को, चाइना चैलेंजेस को डील करने में ये तीनों देश मददगार साबित हो सकते हैं इंडिया के, यूएसए और यूरोप के। दे आर सिलेक्टिव इन द टारगेटिंग एडवर्सरीज, स्ट्राइकिंग बैलेंस ऑफ मोरल वैल्यूज, और तो इसी के बारे में बताया गया है कि मोरल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया गया। नया कोल्ड वॉर जो है, तो देख सकते हैं आप, पावर जो भी वो डिफ्यूज है। पहले कोल्ड वॉर में क्या था, दो पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए और रसिया, यूएसएसआर। अब जो पावर बहुत डिफ्यूज है, कुछ के पास कुछ पावर, कुछ के पास कुछ पावर है, चाइना के पास कुछ अलग पावर है, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमी भी इंटरडिपेंडेंट है। ट्रांसलेट नीट डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इंटू ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज में हम डिवाइड कर सकते हैं ग्लोब को। अब हम पावर के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए का एलआई जो है डेमोक्रेसी साउथ कोरिया, ये D10 को फॉर्मली ज्वाइन करने या क्वाड से ज्वाइन करने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है, चाइना इस चीजों को अपोज करता है। तो ये जो है अभी आप ब्लैक एक बेसिकली नए कोल्ड वॉर में एक ब्लैक एंड व्हाइट आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बेसिस पर आपको डिवाइड करने की जरूरत है।
इसी चीज के बारे में बताया गया, ये मोटा मोटी आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जीएस पेपर टू जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज 8 पे मूव करते हैं, डिसीजन ऑन क्लास 12 मार्क्स टू बी पुट ऑफ। तो ये जो मंडे को आज ही बेसिकली इसकी डेडलाइन थी, कमेटी बनाई गई थी, जो एग्जाम कैंसिल किया गया उसके बाद 12 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिनको डिसाइड करना था कि मार्क्स कैसे दे स्टूडेंट को क्लास 12 का, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहा है। तो इसको लेकर के अभी तक डिटेल नहीं आया, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, और आज डेडलाइन था, लेकिन इसका कुछ दिन के लिए शायद इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसमें अभी तक तो आ रहा है कि भाई ये ना, अभी तक न्यूज जो आ रहा है कि क्लास 10 और क्लास 12 के मार्क्स को यूज किया जाएगा, और इंटरनल मार्क्स फ्रॉम क्लास 10 12 इसको यूज करके एक असेसमेंट क्राइटेरिया बना सकती है। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखने की बात होगी आगे क्या ये एग्जैक्टली आता है इसका, ताकि स्टूडेंट को दिक्कतें नहीं हो, और क्योंकि उनको 12th के बाद यूनिवर्सिटीज में या बाहर पढ़ने जाना होता है, तो उसके लिए मार्क्स या ग्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, 498 करोड़ फॉर IDX चैलेंज, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अप्रूव किया है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस IDX चैलेंज, इसमें बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसके अंदर में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये क्या करेगा, प्रमोटिंग इनोवेशन डिजिटाइजेशन ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर जो है मिलिट्री का, सॉरी डिफेंस का, उसमें इनोवेशन आ सके। कैसे आएगा भाई, तो आप जब कुछ पैसा मोटिवेशन देंगे कंपनियों को या लोगों को, तभी तो वो आएगा, तो उनको लगे कि हाँ मैं कुछ इनोवेट करता हूँ तो मुझे कुछ ग्रांट मिलेगा, या मुझे कुछ ना प्रोडक्ट मेरा खरीदा जाएगा। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री इसको अप्रूव किया है, इस फंड को। ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा तकरीबन 300 स्टार्टअप्स, MSME, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और 20 पार्टनर इनोवेटर्स, कि आप भाई इनोवेशन करके लेके आए, कुछ नया इनोवेशन लेके आए इस सेक्टर में, या तो आप जो ऑलरेडी इक्विपमेंट है उसको आप कुछ ना ट्यूब कर सकें, उसको एफिशिएंट बना सके, या नया कुछ टेक्नोलॉजी ला सके। तो उसके लिए फंड को लाया गया, 5 साल के लिए फंड जारी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, नेवी डाइवर्स इन मेघालय टू असिस्ट माइन रेस्क्यू। तो ये जो है मेघालय में अभी फिर से ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में, कि जो माइन वहाँ पे होता है रेड होल माइनिंग, वहाँ पे फिर जो 5 माइनर्स को देखा गया कि टैप हो गए हैं, वहाँ फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू करने का काम जारी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से होल है, इसके नीचे जो है माइन्स है, और यहाँ पे माइनिंग होती है, और वहाँ लोग फंस गए हैं माइनर्स, उसको निकालने की कोशिश चल रही है। 500 फीट डीप कोल माइन है। पिछले साल 2018 में भी एक अनुभव हुआ था आपका, माइन डिजास्टर हुआ था, जहाँ पे 17 माइनर्स जो है डेथ हो गई थी इनकी, इसी डिस्ट्रिक्ट में, कासन एरिया जो अलग था, इसी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ बेसिकली रेड होल माइनिंग होती है, जो कि सेफ नहीं है। क्या किया जाता है कि गड्ढा खोद करके एक तरह से इसके अंदर माइनर्स को जाना पड़ता है, और यहाँ नीचे में फिर माइन खोद करके निकालना पड़ता है। तो बहुत बार पानी भरने के कारण वो फंस जाते हैं वहाँ पर बारिश और उसमें। ये मैप लोकेशन है मेघालय का, और ये ईस्ट जयंतिया हिल है आपका, इस बॉर्डर में यहाँ पर आपका आ रहा है। तो मैप लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, तो ये अलग अलग नॉर्थ ईस्ट स्टेट आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम हो गया, तो ये आपका मेघालय का पोर्शन है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इसमें हिल्स से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 9 पे आर्टिकल है, MHA ऑर्डर इनवाइटिंग सिटीजनशिप एप्लीकेशन फेसेस SC चैलेंजेस। तो ये हमने कुछ दिन पहले, ये 2-3 बार इसको आर्टिकल कवर किया था। MHA ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन ने ऑर्डर निकाला था मई 2028 को, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को ऑर्डर दिया था कि आप जो है जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज हैं, जो बहुत सालों से रह रहे हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, और ये 3 देशों से जो आ रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, उन वो जो रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए बढ़ाया दिया जाए, उनको सिटीजनशिप जल्द से जल्द दिया जाए, डॉक्यूमेंट चेकिंग आप फास्ट करें, उनको सिटीजनशिप दिया जाए। इसके लिए जो है इन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को पावर दिया गया था, MHA के थ्रू पावर डेलीगेट किया गया था। इसको अब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप, क्योंकि CA तो अभी इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया है, तो इस जो आप जो है एक कम्युनिटी को कैसे आप छोड़ सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के आप ऐसा ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें नाम मेंशन नहीं, आप जो है बाकी कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का आप वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 क्या है, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी है। इसका भी हमारा डिटेल आर्टिकल्स है, आपका वीडियो है फंडामेंटल राइट्स का, इसका हम लिंक यहाँ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। तो इसका जो है पिटिशनर ने कहा कि इसका वायलेंस आप कर रहे हैं, मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को। अगर ये एक्ट लागू होता, इसके रूल बनाते तो ठीक बात थी, वो अलग एक्ट है, लेकिन ऐसे जो आप ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसमें आप एक रिलीजन को ही आप सिर्फ हटा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ऑर्डर डेलीगेट पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन टू कलेक्टर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ये ऑर्डर था आपका, कि इसको आप कलेक्टर को पावर दिया इन्होंने। CA जो है वो उसमें है कि ये 2014 के पहले जो लोग आए, जो पास हो चुका ऑलरेडी एक्ट,
उसको आप यूज कर सकते हैं, वो अलग है आपका एक्ट, ये जो ऑर्डर है आपका ये अलग है, इसको आप इन्होंने चैलेंज किया है कि ये एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट उसके। अब ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ट्री ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान निकोबार, ये नई ट्री ऑफ कॉफी बेसिकली डिस्कवर किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड में, इसका नाम रखा गया है पिस्टोरिया लालजी। ये जीनियस पिस्टोरिया, ये बेसिकली मेन वेराइटी है, स्पेसीज है, और इसका जो इंडिया में वर्जन अभी डिस्कवर किया गया है, लालजी इसका टर्म घुसाया गया इसके अंदर। तो 15 मीटर टॉल ट्री है, जीनियस ऑफ कॉफी फैमिली का बेसिस से आता है, और अंडमान आइलैंड में इसको पाया गया है। जनरली ये जो मडागास्कर में पाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली इसको नया स्पेसीज इज न्यू टू साइंस, तो एक नया स्पेसीज यहाँ पाया गया। तो बहुत आप पूछा जाता है फिलीम्स में, आपका ज़्यादातर फिलीम्स में पूछा जाता है तो नई स्पेसीज के बारे में, तो इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं फैक्चुअल के बेसिस पर। और इसके बारे में इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया, कहाँ पाया गया है, तो वंडूर फॉरेस्ट इन साउथ अंडमान पहली बार देखा गया था, उसके अलावा तिरहुर फॉरेस्ट जरावा में भी, और चिदिया टापू मुंडा पहाड़ फॉरेस्ट में अंडमान निकोबार के देखा गया है अलग अलग जगहों पर। इसका जो है ये जो ट्री है, इसको आईयूसीएन के अंदर में रेड लिस्ट में क्राइटेरिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया, मतलब काफ़ी इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसका नाम जो है आफ्टर लालजी सिंह के नाम पर रखा गया, ज्वाइंट डायरेक्टर हेड ऑफ ऑफिस जो है अंडमान निकोबार रीजनल सेंटर बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके नाम पर ये लालजी रखा गया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए है बेसिकली आर्टिकल। नेक्स्ट जो आपका है पेज नंबर 11 पर, ये रेयर अर्थ मिनरल्स एट द हार्ट ऑफ चाइना यूएस राइवलरी, तो रेयर अर्थ मिनरल जो है इसके बारे में बताया गया है, इसमें जो है चाइना का ज़्यादा दबदबा है अभी तक कहा जाए, तो ये रेयर अर्थ मिनरल जो है इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन्स एंड ड्रोन्स, इसमें जो है कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज़ों को बनाने में, और इसका ज़्यादातर जो है ये माइनिंग जो है वो चाइना में होती है, और यूएसए यूरोप जो है डिपेंडेंट कहा जाए, 80% उनका इम्पोर्ट जो है ये चाइना पर डिपेंडेंट, इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होता है, ये चाइना पर डिपेंडेंट है इन मिनरल्स के लिए, और कोई आर्टिकल कोई इक्विपमेंट्स भी जो है कंपोनेंट्स भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्टर भी, तो इसीलिए इसको कैसे हम हटा सकते हैं, तो ये से अभी कोशिश कर रहा है कि हम इस जो चाइना पर अपना डिपेंडेंस जो कम कर सकें। तो कौन कौन से मिनरल, ये नाम आप थोड़ा जान सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछा सकता है, नियोडेमियम, प्रासेडाइनियम और डिस्प्रोसियम, ये तीन मिनरल्स हैं क्रूशियल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट्स, मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर जैसे कि विंड टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होते हैं वो मैग्नेट्स। दे ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन कंज्यूमर गुड्स जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीस्कोपिक लेंस में ऑलरेडी ये यूज होते हैं। यूएसए का क्या एम है कि बूस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एंड लिथियम, इसको प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके वाइल वर्किंग विद एलाइज टू इंक्रीज सस्टेनेबल द ग्लोबल सप्लाई एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन कॉम्पिटिटर्स, तो इस पर रिलायंस कम किया जाए ताकि हम जो यूएस राइवलरी जो हम देख रहे हैं, तो ऑलरेडी जो माउंटेन पास माइन इन कैलिफोर्निया में इसका बेस्ट जो है यहाँ पर माइनिंग गवर्नमेंट यूएसए जो स्टार्ट करने के है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा माइनिंग कर सके। इसके अलावा एक और क्या उपाय है कि जो रिसाइकिलिंग जो है वो बढ़ाया जा सके, अगर रिसाइकिलिंग बढ़ता है तो यूरोप का 20 से 30% जो है जो रिक्वायरमेंट है वो रिसाइकिलिंग से ये पूरा कर सकते हैं, तो ये अल्टरनेटिव जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि ताकि हम बीजिंग का जो डोमिनियंस है इस मिनरल्स पे उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में मान लीजिए यूएस का या यूरोप का जो राइवलरी है चाइना से बढ़ता है, और बीजिंग अगर एक्सपोर्ट रोक देती है इन मिनरल्स का, ऐसा ना हो चाइना की सॉरी यूएसए या यूरोप जो है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए, इसको लेकर के ये स्ट्रेटेजिक एक तरह से प्लानिंग है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज 11 पे, बीडर पे 28 मिलियन डॉलर फॉर ट्रिप टू स्पेस विथ बेजोस, तो बेजोस जो है जेफ बेजोस जो है आपके अमेजन के जो मालिक हैं उनका एक स्पेस में जा रहे हैं ब्लू ओरिजिन, ये इसके साथ में कंपनी के साथ, उसके साथ एक सीट में जब आप जा सकते हैं, उसके लिए सीट का जो है कौन जाएगा, तो उसके लिए ऑक्शन किया गया था, तो एक बीडर ने 28 मिलियन डॉलर इसको दिया है, ऑक्शन में बोली लगाई है, जुलाई 20 को ये फ्लाई होने वाला है। ये ब्लू ओरिजिन जो क्या है स्पेसक्राफ्ट है, इसको स्पेस में जाने के लिए, तो प्रीलिम्स फैक्चुअल के लिए इंपॉर्टेंट आपका। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें आपका कौन सा आर्टिकल आपको अच्छा लगा इसमें से, और कौन सा आर्टिकल अगर आप जानना चाहते हैं जो हमसे मिस हो गया हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर लिख के भेजें, और इसका PDF जो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकते हैं, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने किया सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, और जो हमारा वीडियोज है बाकी वीडियो जो है हमारा इकोनॉमिक वो है और कैसे प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी बुक्स की लिस्ट है उनको आप जरूर देखें, लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा। थैंक यू।